समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बाद टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब चर्चा बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर को लेकर है। अब तक बातें हो रही थी कि मलूक नागर बसपा में रहेंगे या किसी और दल में जाएंगे, कौन सी पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगे। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा सांसद मलूक नागर जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, ये वेस्ट यूपी की राजनीति के लिहाज से बड़ी चर्चा और सूचना है। अब हर किसी के दिमाग में यही आएगा कि क्या मलूक नागर बिजनौर से रालोद के उम्मीदवार होंगे। जी नहीं, सूत्रों और सियासी गलियारों में चर्चा की बात करें तो मलूक नागर बिजनौर से नहीं बल्कि मेरठ लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसी तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सियासत में लगातार बदलाव होता रहता है, लेकिन जिस तरह से मेरठ सीट से मलूक नागर का नाम आ रहा है उससे गठबंधन में टिकट के अन्य दावेदारों की चिंता तो बढ़ ही गई है। बता दी कि मलूक नागर गुर्जर समाज से आते हैं और काफी समय तक वह पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल में भी रह चुके हैं। करीब 5 महीने पहले सांसद मलूक नागर ने जयंत चौधरी की तारीफ की थी और उन्हें पश्चिमी यूपी का बड़े जनाधार वाला नेता भी बताया था। मलूक नागर ने साल 2004 में राष्ट्रीय लोकदल से ही मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वह दूसरे नंबर पर रहे थे। 2009 में बसपा से मेरठ सीट पर ही चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे। 2014 में बिजनौर सीट पर बसपा के उम्मीदवार थे और तब वह तीसरे नंबर पर रहे थे। जबकि 2019 में महागठबंधन में बसपा के सिंबल से बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय लोकदल से तो मलूक नागर का पुराना नाता रहा है। नागर यूपी के सबसे अमीर सांसदों में से भी एक है।